नमस्कार दोस्तों, पिछले कई दिनों से जब से बिहार सरकार का एक न्यूज वायरल हो रहा है कि आपको बिहार सरकार जो है फ्री लैपटॉप देने जा रही है, तब से दोस्तों आप सभी का बहुत सारा सवाल आ रहा है। यानी कि सवाल ये है कि आखिर कैसे मिलेगा फ्री लैपटॉप, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, क्या प्रोसेस है, और भी बहुत सारे डाउट है जो कि आप लोगों का जो है पिछले वीडियो में मुझे कमेंट आया था। और दोस्तों वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है अफवाह भी बनाया जा रहा है कि ये फॉर्म भर लीजिए आपको मिल जाएगा लैपटॉप, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये फॉर्म भरने के बाद लैपटॉप मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको जो है गुमराह किया जा रहा है, और जो भी हमारे एक्टिव सब्सक्राइबर हैं उनको हम सही और सटीक जानकारी देने का कोशिश करते हैं। तो आई होप कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा हमारे हिसाब से, क्योंकि हम आपको फ्री लैपटॉप योजना का जो भी सवाल है सारे सवाल को हमने पिक किया है और धीरे धीरे जो है सबका रिप्लाई देंगे, और लगभग ऑलमोस्ट सभी आदमी को ये वीडियो समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये न्यूज आखिर आया कहां से और कैसे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिला है। तो फेसबुक पर दोस्तों यहाँ पे दो पेज है, एक पेज दोस्तों यहाँ पे बिहार सरकार का बताया जा रहा है जो कि वेरीफाइड नहीं है, दूसरा नंबर पेज है दोस्तों जी बिहार झारखंड, इस पे दोस्तों एक वीडियो पोस्ट किया गया था और जिसमें ये जानकारी दिया गया था। सबसे पहले बताया गया था इसके प्रोसेस के बारे में कि सबसे पहले बिहार का मूल निवासी होना चाहिए जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, और दूसरा नंबर में यहाँ पे बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट है या लड़का हो या लड़की वो जो है 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए, और तीसरा नंबर में यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है कि यहाँ पे दोस्तों कुशल युवा ट्रेनिंग के बारे में आपने सुना होगा, ये ट्रेनिंग जो कंप्लीट कर चुके हैं या कर रहे हैं उनको दोस्तों दिया जाएगा। यहाँ पे जो प्रोसेस बताया गया वो हम आपको बता रहे हैं। तो आपको बहुत सारे लोग का ये मैसेज आ रहा है कि क्या हमने ट्रेनिंग कम्प्लीट कर लिया है तो आखिर हमको कैसे मिलेगा, एक नंबर सवाल ये है। दूसरा नंबर में ट्रेनिंग कम्प्लीट करने के बाद आखिर हमको दिया कहाँ जाएगा, यानी कि हमको कोरियर किया जाएगा या हमारे हाथ में मिलेगा, या दोस्तों ऑफिशियली किस लिंक से हम करेंगे ऑनलाइन तो हमको मिल जाएगा। तो आपको बताते जितना भी यहाँ पे आपको लोग बता रहे हैं अभी तक बिहार सरकार के द्वारा कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है। मान लीजिए इतना बड़ा योजना है, और इतना बड़ा योजना है तो किस तरीके से क्या प्रोसेस रखा गया है वो बिहार सरकार जब तक नहीं न्यूज मतलब नोटिस जारी करती है तब तक आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि आपको जो है इस तरीके से ऑनलाइन करेंगे तो मिल जाएगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे न्यूज में बताया जा रहा है कि आप कुशल युवा ट्रेनिंग जो होता है उसके लिए ऑनलाइन कीजिए आपको मिल जाएगा, लेकिन मान लीजिए हम ऑनलाइन कर देते हैं उसके बाद भैया कैसे मिलेगा हमें ये प्रोसेस बताया जाए, तो इसका कोई सवाल का जवाब ही नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार नोटिफिकेशन जारी किया ही नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमें इस तरीके से मिल जाएगा, हम कर लेंगे तो मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आगे का कोई प्रोसेस आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे कोई सवाल ही आपका नहीं बनता है, साफ साफ समझ लीजिए। अगर आप लोगों को जो है इसका लाभ लेना है तो आप चाहे तो ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी तक हम ऑनलाइन का वीडियो इसीलिए नहीं बनाए हैं कि कोई हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ही नहीं, मान लीजिए न्यूज़ पे ही पोस्ट किया गया है, बिहार सरकार अपना कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि हमको इस तरीके से मिलेगा। और काफ़ी लोग वीडियो बना के बता रहे हैं कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए, यहाँ पर घंटा कुछ आया नहीं है और फालतू में आप लोगों का टाइम बर्बाद हो रहा है। तो आप चाहे तो कुशल युवा प्रोग्राम के लिए आवेदन कीजिए या कर चुके हैं तो आप इंतजार कीजिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, यहाँ पे बाकी कोई सवाल आपका नहीं बनता है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि आखिर आपको कैसे मिलेगा, ऐसा कोई लिंक नहीं आया है कि जिस पे आप ऑनलाइन कर देंगे और फटाक से आपको जो है घर पे कुरियर कर दिया जाएगा लैपटॉप, ये सब कोई जो है जो भी बता रहे हैं ये सारा फेक है। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर आप जो लोग जो है इसके बारे में जानकारी पूरी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। और फिलहाल दोस्तों यही जानकारी था कि किस तरीके से वायरल हुआ है और क्या अभी तक का प्रोसेस है और क्या आपको करना चाहिए। आप इंतजार कीजिए, आपका मन है तो कुशल युवा ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन KYKP के लिए कर दीजिए और ट्रेनिंग कर लीजिए, फ्यूचर में जो भी अपडेट आएगा आपको हम बताते रहेंगे। चलिए आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।